तारीख है 25 अक्टूबर 2021 सोमवार और समय हो गया है 08:58। अब सुनते रहो ध्यान से। इन्होंने एक बड़ा अच्छा गेम खेला इंडियन आर्मी वालों ने अपना नेम और फेम के चक्कर में। मेरी चल रही थी पाकिस्तान से बहस ट्विटर पे, मोदी मेरा इस्तेमाल करने के चक्कर में था, पीछे से कुछ और भी लोग लग गए होंगे उदाहरण के तौर पे। मेरे अक्षर पे दिव्य अक्षर है मेरे अंगूठे पे, मुझे पता नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलता कभी जल्दी, समझ में आई, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कभी बोल दूँ, मुझे नहीं पता था बचपन से। मुझे ये साल दो साल पहले ही पता लगा था जब मेरे बेटे ने बताया मेरे को, ध्रुव ने, समझ में आई। ये देखो मैं अपनी जिंदगी जिए जा रहा और अपने दम पे और अपने कहता ना अपनी स्टाइल में ट्वीट करता रहा, डरता मैं किसी के बाप से, मैं पंगा लेकर मत रख दूंगा अरे पैट खींच के, ठीक है। ट्विटर पे बहसबाजी चलती रही। इंडियन आर्मी वाले पता है क्या बोलते और दिल्ली पुलिस वाले, कुछ लोग ऐसे थे मुसलमान वो यहाँ से जो है ना पुलिस कंप्लेंट करते थे जब भी मैं पाकिस्तान में किसी को कुछ बोल दूँ, और यहाँ जो है क्या कहते हैं हमारे घर परिवार से प्रेशर। मेरे बड़े भाई मुकेश का कहना था कि ट्विटर पर लिखता क्यों है तू, नौकरी क्यों नहीं करता। मोदी का कहना था कि नौकरी वोकरी करते नहीं है ट्विटर पर बैठ रहता है, क्यों तूने ट्विटर पर लोगों को नहीं बैठा रखा है, तुम्हारा सोशल मीडिया सेल क्या माचू दुमाने के लिए बना था, क्यों बोलती बंद है, क्योंकि मैं लिखता था सच्चाई, सच बात तो कड़वी लगती है ना, क्यों। बड़े प्यार से ये गेम खेल रहे भाई इंडियन आर्मी। जब पाकिस्तान से वॉर की बात हुई और जब मैंने ये कहा ना पाकिस्तान को कि मेरे लड़कों के शुक्राणु में इतना दम है कि मुझे परमाणु की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है, इनकी सुलग गई सबकी। इंडियन आर्मी का कहना ये था कि अच्छा तूने क्या कोई ट्रेनिंग ले रखी, तू लड़के देखा, एक बात बता बे, लड़ने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता, हौसला समझता है नहीं पता, हिम्मत समझता है, हाँ से हिम्मत होती है, मैं हितेश हूँ हितेश, ठीक है। अब बात आई पैसे की, मुझे धीरे धीरे मेरे पैसे के बारे में पता लगना शुरू हुआ, इनकी सुलग गई। इन्होंने पंडित उमा शंकर शुक्ला को बहुत पहले से मेरे पीछे लगा रखा था मारने के लिए, पंडित उमा शंकर शुक्ला तक जो है मैं पहुंच गया किसी तरह, मुझे नहीं पता ना मेरे साथ कोई टीम भी है या नहीं है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा आराम से। बात को मैं करता हूं इंडियन आर्मी तक। इंडियन आर्मी में कुछ अफसरों ने क्या करा, दिमाग लगा करके अपने कुछ बंदों को मेरे घर परिवार के पीछे लगा दिया और टारगेट किया मेरी वाइफ, कहते हैं इसकी वाइफ है, 3 छोटे बच्चों के साथ रहता है ना, ये खुद मोदी की वेडिंग थी SPG डिपार्टमेंट के सामने, जी हाँ, कि बीवी बच्चे हैं ना इसके, जाएगा कहाँ हम बताते हैं इसको। IB रॉ विजिलेंस इंडियन आर्मी दिल्ली पुलिस CRP CISF सारे लग गए मेरे ट्वीट होते रहते थे। जब मैंने UN के ट्वीट रिट्वीट करने शुरू किए तो UN के लोगों ने मेरे पे ध्यान दिया, मैंने यू रिपोर्टर का फॉर्म भर दिया और यू रिपोर्टर में हो गया मेरा सिलेक्शन, मेरे पास रिप्लाई आ गया। इन्होंने मेरे CACI में जो मैंने फॉर्म भरा उसकी ईमेल डिलीट कर दी निहार के मैसी मेरी किराएदार ने, बड़े प्यार से साइलेंटली इन्होंने क्या करा, मेरे घर में मेरा कम्युनिकेशन मेथड तोड़ना शुरू किया, जैसे मेरा लैपटॉप, मेरे घर में मेरा लैपटॉप या तो मेरी वाइफ ने तोड़ा या मेरे बच्चे ने तोड़ा, किसने तोड़ा मुझे नहीं पता, पर मेरे लैपटॉप का सत्यानाश कर दिया। पीठ पीछे मैं बाहर जाऊं बड़े आराम से मेरा लैपटॉप खोले उसमें ने पता नहीं क्या निकाले, सुपर वॉइस में सौदे मैं कर रहा हूं और ये सियाणे बन रहे। मैंने जब कमलेश तिवारी के मामले में ट्वीट किया इनकी सुलग गई, और श्री राम मंदिर के मामले में मैंने एक फैसला दे दिया, फैसला ही था वो, मुसलमानों की सुलग गई ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैंने कहा तुम कितने भी पन्ने पलट लो 1500 साल से पीछे नहीं जा सकते, बताना तू मुसलमान अपना इतिहास बता तब बहस शुरू होगी, छोड़ना आबर बाबर लावर डावर हमें क्या मतलब है। जो लोग हिंदू जो थे जो श्री राम मंदिर के लिए अदालत में केस लड़ रहे थे उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दे दी
सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी हो गई। गोगोई को मजबूर होकर जजमेंट देना पड़ा था। उस दिन सुपर वॉइस में मैं था, कैसे था, मैं डिवाइस लगा के बात कर रहा था और वहाँ जो थे एडवोकेट सब जानते हैं, मुझे बताया था कि कल जो है श्री राम मंदिर की सुनवाई होने वाली है, 10 बजे से स्टार्ट हो रही है, और मैं इसी घर में बैठ कर सुपर वॉइस दे रहा था आर्ग्यूमेंट पे। बाद में जब इन्होंने रिपिटिशन डाली श्री राम मंदिर के लिए, तब मैंने एक बात कही थी कि अगर तुम में से कोई बाबर का रिश्तेदार है 3 पीढ़ी के अंदर तो ही आके बात करना, वरना नहीं कर सकता तुम में से कोई, प्रॉपर्टी पे हक नहीं जता सकता तुम, क्योंकि तुम बाबर की प्रॉपर्टी मांग रहे हो, रिलीजन के आधार पे किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। मैं अगर हिंदू हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी 3 पीढ़ी तक ही जो है ये मकान ले सकते हैं, उसके बावजूद ये मकान जो है कहते कोई दूसरा हिंदू आके नहीं ले सकता ना मुसलमान, ये भारत सरकार की संपत्ति हो जाएगी। मेरी आर्ग्यूमेंट के आगे जो है इनकी हो गई ऐसी तैसी, मुसलमानों की इनका पड़ गई लात। 5 एकड़ जमीन की जो जजमेंट दी गोगोई साहब ने, ये मुझे पसंद नहीं थी, क्यों दें? मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आपने कह दिया दे देंगे, मैंने छत्तीसगढ़ के वहाँ दे दो जमीन नक्सली एरिया में, हम तो नहीं दे रहे यहाँ पे। मैं कहा 100 एकड़ के आगे 100 योजन तक श्री राम मंदिर के आसपास एक मस्जिद नहीं रहने देंगे हम। इन्होंने क्या करा, हिंदू महासभा की एक फाइल थी, अदालत में फाइल उठा के फाड़ के फेंक दी अगले दिन, मुझे चढ़ गई खुंदक इस बात पे। उसी दिन मेरी पहली फोटो आई थी फिंगर रेस करते हुए, तेरे कहने से नहीं था, तू मेरे दिमाग से चलता है, समझ में आई, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, पता है दो सर्टिफिकेट होते हैं, जी हाँ, फॉरवर्ड जो आप सोचते हो उसको देखने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक है, बेवकूफ समझ रहे मेरे को, और जो आप सोच चुके होते हो उसको देखने के लिए बैकवर्ड ब्लॉक है, पागल समझ रहे हो क्या मेरे को, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो तुम। मेरे घर परिवार में मैं आज एक बात बोलता हूँ, मुकेश चिढ़ता था मेरी तरक्की से, सुमन चिढ़ती थी मेरी वाइफ की तरक्की से, पढ़ी लिखी से, मेरी वाइफ प्रीति मंडल घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, BA इंग्लिश ऑनर्स, उसको बेइज्जत करने पर लग गए ये लोग। वो बैठ के उसको नॉवल पढ़ने का शौक, मैगजीन, और वो पढ़ी लिखी थी, उसको किसी भी तरह बेइज्जत करना था इन्होंने घर में। आज तूने खाना ढंग का नहीं बनाया, आज तूने कपड़े ढंग के नहीं धोए, नहीं कर रही ना झाड़ू पोछा, तू कर ले, तू जेठानी बन रही है तू कर ले। तब मुकेश ने घर के अंदर ही मेरी वाइफ को बदतमीजी करने की कोशिश करी मेरी वाइफ के साथ। बाद में वो कहता है कि ये एक टेस्टर था, टेस्टर कोई कुछ नहीं होता भाई, दिलो दिमाग पे दाग लगाया मेरे। फिर वही काम इन्होंने जो है कह रहे बहुत बड़ा आदमी है ना, देख लेंगे कौन आता है तुझे बचाने के लिए। तब पास पड़ोस मोहल्ले से चालू हो गए। अभी जो है कल सुबह भी यहाँ पे 2-3 औरतें क्या बोल रही, बोला रहने दिया हमने इसके बीवी बच्चों को, यहाँ पे भगा दिया ना, अबे भगा क्या दिया, मैं इंडियन आर्मी का काम करवा रहा हूँ, चाइना की तरफ काम चल रहा है। तब इंडियन आर्मी में कुछ लोगों का कहना था, नरवाना हो गया, बिपिन रावत हो गया, आपका ये वीके सिंह हो गया, रणवीर हो गया, पर रणवीर की नीयत पे शक नहीं करता, क्योंकि रणवीर SPG में खुद इस घर में आया था, मुझसे हाथ मिला के गया है। आज भी मेरी डायरी में एक चीज़ लिखी है, मेरे को कुछ काम करना था तो मोदी ने एक काम सोचा और BJP ने कि इसके पास ना पैसा होगा और ना ही ये इधर उधर कहीं जाएगा, क्योंकि मैं जितने ज़्यादा किलोमीटर चलूँगा ना वो जगह मेरी हो जाएगी, बस अगर मैंने पाकिस्तान में एक कदम भी रख दिया तो पाकिस्तान मेरा है। बाद में मुझे पता चला कि वाकई मेरी टीम के लोग हैं मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ ना, मैंने आज भी वो स्टेटमेंट अपने हाथ से लिखी है, जिस दिन रणवीर साहब से मेरी बात हो रही थी, इंडियन आर्मी में जो सरदार हैं वो पक्का मारेगा इन बहन के लंडों को, देख लेना। रणवीर साहब को मारने की कोशिश मोदी के लोगों ने करी थी नरवाना के साथ मिलके, और उनके हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हुआ, हमने रणवीर साहब और ढिल्लन साहब को हटा लिया वहां से, उसके बाद पूरी रेजिमेंट की मार चुदवा दी थी हमने 2 मिनट के अंदर। ये है असलियत। मेरे बच्चे जो हैं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं बिहार चला गया, मैं कहा यार बच्चों को बिहार की पढ़ाई पढ़ाएंगे, इन माँ के लोड़ों की, आचार्य तुलसी वालों की और दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम की गांड में आग लग गई थी केजरीवाल के भी। जब मेरे बेटे को और ध्रुव और धानी, ध्रुव क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था,
माँ के लोड़ों ने फोन करवा के मेरे बेटे का एग्जाम ध्रुव का, मात्र वो जो है केजी या फर्स्ट में था, दोबारा एग्जाम लिया है सीएमएस के अंदर। रिजल्ट आने के बाद उस छोटे से बच्चे का, ये थे वो बीजेपी वाले भागलपुर में। धान्या को बदतमीजी सिखाने के लिए, ठीक है राबी पीरजदा तू अपने आप को ज्यादा 30 मार खाना समझती है, तू मेरी औरत है, मेरी बीवी, जिस दिन तूने कपड़े उतार के ये दिखाया ना कि मैंने तेरे को ट्वीट कर दिया तो तू नंगी हो गई, लंड फर्क नहीं पड़ता मेरे को डार्लिंग, बहुत बड़े वाला बदतमीज हूं मैं, सरेआम बोला मैंने वीडियो में, माँ की लोड़ी अगर तुझे नहीं चोदा तो क्या चोदा, जिस माँ की लोड़ी में दम हो मेरे से पंगा ले ले। मैंने जब पूनम से शादी करने की बात सोची, ठीक है दिमाग में तो चल ही रहा था क्योंकि क्रीम दिखाने का खेल था, इस मकान ने ममता नाम की एक लड़की रह रही थी, यहाँ आएगा मजा, ममता और पूनम आ गई, पूरी कॉलोनी की माँ चुद गई उस दिन, ममता से ज्यादा सुंदर किराएदार नहीं कॉलोनी में, ममता ने माँ चोद कर रख दी थी इसकी सीता की, इसको पकड़ लिया एक दिन सुबह सुबह मीना, इसको मीरा और सीता को, मैं खड़ा खड़ा देख रहा, मैंने कहा ये पक्की माँ चोदेगी इनकी। मैं घर के अंदर भी अपना पूजा पाठ करता, पढ़ाई में फालतू बहसबाजी तो जी करता नहीं कि एक औरत साथ में रह रही है सुंदर तो क्या कहते हैं अपने आप दिमाग लगा ले। मैंने ममता पर चला दिया था रत्नमाला मंत्र, ममता ऐसे ही नहीं आई मेरे मकान में रहने, समझ में आई। उसके बाद देखो जाके ममता कितनी सुंदर है, जिसमें दम हो ना टक्कर ले ले उससे, मरियम नवाज शरीफ या सब लग गई लाइन पे। जिस दिन मोदी को पता लगा ना मेरे किराएदार के बारे में और मुकेश को पता लगा था, मुकेश की गांड सुलग गई थी और सुमन की, पूरी कॉलोनी की माँ चुद के हाथ में आ गई थी उसकी शक्ल देख के। फिर मैंने उसके लिए फ्लैट का अरेंजमेंट कराया, मैं था वो आदमी। इंडियन आर्मी ने क्या करा, नरवाना वगैरह ने मेरे को क्वार्टाइन करना शुरू किया, मेरा खर्चा कर दिया बंद। और उधर रेनू ने जो है क्या कहता दिमाग लगा के अंशदेव रवि को मारने का ऑर्डर इसलिए दिए क्योंकि अंशदेव रवि ने कहा कि वो जो है प्रीति से शादी करेगा। हाँ खुद मुकेश ने यह बात कही तो नेहरू राय ने यह कहा ठीक है हितेश तो कमाता है नहीं, ठीक है तू मुकेश की शादी करा देंगे, चूतिया समझ रहे मेरे को, शादी के बाद पे मारने का ऑर्डर नहीं दिया था मैंने, गया गया कोई बात नहीं, मेरे से ज्यादा दिमाग की खराब है वो। तब जो है सुमन ने दिमाग लगा के घर में आके जबरदस्ती पीछे पड़ गई, अरे कैसे कटेगी तेरी जिंदगी कमाता नहीं, रोने में तुझे कहा किसी ने, तेरे से पैसे मांगने आया था मैं, ससुराल में जाके पड़ा, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, यूं काटा हमने नेहरू राय, यूं काट दिया हमने अंशदेव रवि। उसके बाद प्रमोद जो था बिक्की का हस्बैंड, हमने मारा वो, कौन कह रहा है ढांग के नीचे दबा करके, सरे हम काट दिया था, 108 चाकू मारे थे उसमें हमने, प्रमोद में अंशदेव रवि में 108 चाकू मारे हमने। एडग्राफ का नाम सुना है, अशोका दी ग्रेट रेजर फोर्स पैरा अंटर 9, इतना गोदेंगे ना कि गोदना भी नहीं गोद पा पाओगे तुम लोग, इतने टैटू बना देंगे शरीर पे। एडग्राफ को तुमने स्टाइल का देखा भी मारते हुए, पागल समझ रहे हो क्या। तब मोदी ने और स्मृति ईरानी ने मिलके मेरी माँ से अप्रोच किया, स्मृति ईरानी जो है गई कोकिला जैन के बाद S-37 में, समझ में आ गई। इन लोगों ने एक प्लान लगाया, अरे मैं कह कुछ भी कर लो, आईबी वाले ने खुद कहा था मेरे को अपने पैसे का इंतजाम अपने आप कर लो, तो मैं कर लूंगा, तेरी माँ चुदवा के करूंगा, अब लिखो तुम ऑल ओवर वर्ल्ड की इंटेलिजेंस लिखो जो मेरे साथ है, मैं बताऊंगा पैसा कैसे आता है। ये नियम है, चार अक्षर से शुरू होने वाले सारी चीजों का पैसा हमारी होगा, बनाओ चार इंटेलिजेंस, चार यूनिट, चार आर्मी, सब कुछ बनेगा। माता पिता के बीच में चा मैं हूं, तमेव माता चा पिता तमेव, चल हट माता उधर और पिता उधर, चल हट, मैं हूं वो चा। अब लिखो सबसे पहले चूतियापंती का पैसा हमारा होगा, चांदी का पैसा हमारा होगा, बीआई सिस्टम,
लिखो ऐसे आएगा पैसा, तुम कैसे ले लोगे? चा से चक्के का पैसा हमारा होगा, तिरंगे में चक्र हमारा हुआ। चक्का चांदी चंदन चा अक्षर के इंटेलिजेंस का नियम है। आईबी वाले कैसे पैसा ले लेंगे? बनाओ आईबी में चाय यूनिट जो मेरे साथ हैं। इंडियन आर्मी में बनेगी चाय यूनिट, चा से चाकू होता है, समझे? इसलिए बनाई मैंने हेडक्राफ्ट और रेजर बटालियन। जात चा से चांडाल, हम सब चांडाल हैं, समझ में आ गई ना? ऑल ओवर वर्ल्ड में चाहे CIA हो, चाहे SIS हो, चाहे ISI हो, समझ में आ गई ना? पाकिस्तान के शब्द में चा नहीं है। तब इन्होंने मेरी वाइफ के नाम में पी से प्रीति और पी से पाकिस्तान ढूंढा। चूतिया समझ रहा है इमरान खान तू मेरे को? हमने रखा है तुझे जिंदा, और कैसे रखा है ये क्यों बता? एक डायमेंशन में तुझे मैंने मार के खाया है, दूसरा ही डायमेंशन में फिर काटूंगा तेरे को। 108 डायमेंशन में मारते हैं हम आदमी को, पागल समझ रहे हो? जब इंडियन आर्मी में SPG डिपार्टमेंट होते हैं सबके अपने, मंत्र में मारने की सोची जी, भर के सारे देश, पूरे देश के, वर्ल्ड के ईसाई मुसलमान सब विद्याएं चलाने में लग गए। चूत चूचे चूतड़ चमड़ी चक्षु, समझ में आई? पैसा तुम नहीं ले सकते, हैं मेरे पास मेरी टीम के लोग, बिल्कुल हैं, खाल खींच लेंगे तुम्हारी हम। जूता पहन कर दिखाओ चमड़े का, चा से चादर चढ़ा के तो दिखा मजार पे। रावी पीर से था, क्या बात कर रही है तू? बेवकूफ समझ रही है तू? ऑल ओवर वर्ल्ड में चा नाम की हर चीज का पैसा मेरा होगा। अब यूज करेंगे हम चा का पैसा। मैं हूं हितेश और मैंने बताया चा हितेश, समझ में आई? मैं वही हितेश हूं जिसका ट्विटर हैंडल @HiteshRay1 है। बेवकूफ समझ रहे हो? तब इन्होंने एक प्लान किया कि मैं बिहार में बच्चे पढ़ा रहा, मेरे बच्चे पढ़ने में तेज, आनंदराम ढंडानिया में पढ़ता रहा मेरा बेटा शौर्य। आनंदराम ढंडानिया में RSS वालों ने मिलके मेरे बेटे को जो है तंग करना शुरू कर दिया, बहाने से मोबाइल चोरी का इल्जाम लगवा दिया। मैंने माचुदवा दी एक एक की बहन के लंडों की। मैं अपना श्रीराम भक्ति में मस्त रहता था, बजरंग दल की इसलिए माचुदी कि मैंने बिहार भागलपुर में जो वहां बजरंग दल और RSS वाले तो ना लंड पे रख दिया मैंने 2 मिनट में, समझे? सरे आम बीच भागलपुर में हनुमान चालीसा मैंने कराई। तब वहां पे जो है कुछ हिंदू महासभा वाले बहन के लोड़े मुसलमान से पैसा लेके कहते ये कैसे हनुमान चालीसा करा लेगा, तुम जाके अपने अध्यक्ष से ना, मां चुदाने गया तेरा अध्यक्ष, हनुमान जी की मूर्ति देख रहा है ना कितनी बड़ी है, ये है मेरे अध्यक्ष हनुमान जी, मैं नहीं मानता किसी को, लंड पे रखा तुम्हारा इस्लाम, समझ में आ गई? चूतिया समझ रहे हैं? और रा का पैसा, क्योंकि मेरे अंगूठे पे रा भी है, राम नाम से आने वाला सारा पैसा मेरा, रंडियों का पैसा मेरा। लिखो मेरे से ज्यादा पैसे वाले हो तुम, हम बनाएंगे पूरी धरती। चा से चांद, चांद की पूजा नहीं करने देंगे तुम्हें हम, चांद की पूजा के नाम का आने वाला सारा पैसा हमारा। ये असली खेल, तू है क्या मेरे आगे मुकेश? मेरी वाइफ यार BA इंग्लिश ऑनर्स थी, पढ़ी लिखी लड़की को इतना बेइज्जत करने लग गए ये लोग, इतना तंग करने लग गए, वो रहेगी क्या घर में घंटा? तब मैं कहता था, मैंने अच्छा ठीक है तू अपने घर में खुश रहे। दादा दादी के नाम पे मेरी माँ ने एक बात कह दी, अरे यार वो अपने घर जा रही है तो क्या हो गया, मेरे को जो है कलेशबाजी पसंद नहीं, पीछे पीछे मैं जहां जाऊं वहां दिमाग लगा रहे हो, कंपनी तुम्हारी हो जाएगी, हैं? बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मैं बनाऊंगा IB भाड़ में जाए, और बनाओ पूरी यूनिट BAE सिस्टम एल्बिट सिस्टम, चा से चक्का, जेट उड़ाओगे कैसे? 9th जनरेशन मैं चालू कर रहा हूं, जेट में चक्के लगे होते हैं, चक्र लगे होते हैं,
महामारी का चक्र, औरत पैसा लेके कहां जाएगी, बच्चा पैदा कर तो सही। बिल्कुल रा और चा अभी तक तो कई अक्षर है मेरे शरीर पे, नियम है। अगर तुम अपने आई कार्ड पे लिखे हुए अक्षर की वजह से अपना ध्वंस दिखाओगे तो मेरे शरीर पे है वो अक्षर। कौन इंडियन आर्मी? रा से राम होता है, मैंने बनाई जेएसआर सिक्योरिटीज, समझ में आ गई? तुम कौन हो? राम राम भी नहीं करने दूंगा, राम राम सत्य नहीं बोलने दूंगा, है नियम। क्या बात कर रहा है? गोली बंदूक के शब्द ढूंढेगा, चा से चाकू होता है ना, यही बहुत है हमारे लिए। हम बनाएंगे असली वाली आर्मी, खेलना हमसे। हमने गोदा प्रदीप 108 चाकू मारे हैं उसमें, क्या बात कर रहा है तू? चा से चौक, धरती पे हर चौक हमारा, गाड़ी जहां जाती है वो चौक हमारा, लिखने वाला ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक हमारा। चा से चूना, चूना हम लगाएंगे, तुम कैसे करोगे हेरा फेरी? चा से चोर, चोरों का पैसा हमारा, बिल्कुल है। बोल तो सही, चोर सारे चोर मेरे, और बोल, काट के फेंक देगा पूरा पाकिस्तान, जितनी मर्जी चूते उठाएंगे, कुछ नहीं कर सकता तू मेरा। चा से चक्षु, आंख फोड़ देंगे तुम्हारी, चक्षु का सारा पैसा हमारा। अब इन शब्दों की ट्रांसलेशन करेंगे पूरे विश्व की भाषा में, देश मैं बना के दिखाऊंगा। कौन है? हम नहीं जानते किसी को। दिमाग लगा रहे हैं? चा नाम की हर कंपनी मेरी, अंगूठे पे तीन लिखा हुआ है, तीन, और बहुत सुंदर। अगर वो ओम है तो सारे मंत्र हमारे, मंदिरों में पूजा पाठ बंद। गिनती में तीन अक्षर मेरा, रोमन में 10, ये देख साफ है, साबित करूंगा। दसवां अंगूठा होता है और 10 नंबर है इस पे। दसवीं पास नहीं करने दूंगा किसी को। ईसाइयों क्या बात कर रहे हो तुम? दिखाऊं पैगंबर का लिखा हुआ? बोल, पूरे इस्लाम का पैसा हमारा, लेकर रहेंगे, एक मुसलमान जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खाली कराओ दुकानें सारी यहां से मुसलमानों की, चाहे कबाड़ी हो चाहे कोई हो। मैं जितना पैसा इस्तेमाल करता था मेरी रेजिमेंट में जाता था मेरा पैसा, है ज्यादा सियाणे बन रहे हो? जो मेरे साथ नहीं है चुपचाप चले आना, वरना एडग्राफ असली वाला दिखा दूंगा। पिछवाड़े में चाकू मारना एडग्राफ नहीं है, 108 चाकू मारते हम, 108। हमने मारा पंडित उमा शंकर शुक्ला, 108 चाकू मारे उसमें। हमने मारा महेश, 108 चाकू मारे उसमें। इमरान खान हमने मारा, 108 चाकू मारे उसमें। रा से रेजर है अंगूठे पे, रा बना के दिखा तू रेजर है, तम दाढ़ी हाथ काटूंगा तेरे। छाने बन रहे हैं? मेरे बच्चों को नहीं पढ़ने देगा आचार्य तुलसी में? अरे बिहार चला जा, मां के लोड़ो खाल खींच लेंगे एक एक की, दिल्ली में पढ़ाई बंद कर देंगे। लिखो डिक्शनरी, रा से सारे अक्षर हमारे, सारी कमाई हमारी, बिल्कुल होता है। एक बंदा जिंदा नहीं बचेगा। शाने बन रहे हो? चा से चीन, देश मेरा, हटाओ चा नाम के सारे देश मेरे, रा नाम के सारे देश मेरे। रा से रूस मेरा, अब लिख अंगूठे पे सा भी है, जितना दिखेगा उतना परसेंटेज पैसा मेरा होगा।
जब मर्जी आओ स्कैनिंग करो अंगूठे की, है नियम। तुम कागज पे लिखे हुए चंद अक्षरों को अगर राह से रुपया होता है, सारा रुपया मेरा, रूपल मेरा, हाथ से काट जा करके सब्जी, चाकू इस्तेमाल करके तो देख, चाकू की सारी कमाई मेरी, चा से चाट, गोलगप्पे वाले चाट बेच के तो देख, धरती पे चाट का पैसा मेरा, चाहे खाने वाले हो चाहे लिखने वाला हो।